सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नए अपलोड्स की जानकारी मिलते रहने के लिए। प्रणाम मित्रों, स्वागत है आप सबका गुड़ी फुली पर। तो आज हम एक स्वादिष्ट एवं पौष्टिक स्टार्टर बनाना सीखेंगे। तो आपके हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है एवं आपके जोड़ों के दुखावों को राहत देगा। इस स्टार्टर का नाम है सहजन फली का स्टार्टर। अंग्रेजी में इसे ड्रमस्टिक स्टार्टर भी कहा जाता है। इस स्टार्टर को हम सलाद के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं और उसको हम भोजन के प्रथम उसका सेवन करेंगे। तो चलिए इस स्टार्टर को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री को देख लेते हैं। तो हम इन पदार्थों का उपयोग करेंगे सहजन फली का स्टार्टर बनाने के लिए। सर्वप्रथम 1 टेबलस्पून तेल, 1 कप पानी, 1 टेबलस्पून बेसन का आटा, 1 टीस्पून सरसों के बीज, 1 टीस्पून जीरा, नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, धाना जीरा पाउडर और 3 से 4 सहजन फली के टुकड़े। सबसे प्रथम हम मसाले को बना देंगे ताकि हम उसको भिगो के रख सके। लाल मिर्च, धाना जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर को 2 चम्मच पानी में भिगोएंगे और इस मिश्रण को हम अच्छे से घुल मिला देंगे। हमने सहजन फली को धोकर उसके दोनों बाजू के छोरों को निकालकर उसको टुकड़ों में काटकर तैयार रखा हुआ है। अब इन टुकड़ों को हम बीच से काटकर उसमें नमक लगा देंगे, जिस प्रकार मैं दिखा रही हूँ आपको। अब इन सहजन फली के टुकड़ों पर हम थोड़ा सा पानी छिड़केंगे और इन टुकड़ों को हम उबालने के लिए कुकर अथवा स्टीमर में 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे और इस पे हम सीटी लगा देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे कुकर इस्तेमाल किया हुआ है। सहजन फली उबले है कि नहीं उसकी जांच करने के लिए हम छुरी को सहजन फली में डालकर देख लेंगे कि वो नरम हो गए हैं कि नहीं। एक कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून तेल को गर्म करने रखेंगे और हम कढ़ाई को हिलाकर तेल को समान रूप से हर जगह फैलने देंगे। इसमें हम छोक करेंगे। इसके लिए हमने सरसों के बीज डाले हुए है, जीरा डाला हुआ है, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और जब सरसों तड़तड़ करने लगे तब हम उसमें मसाले का हमने जो मिश्रण बना के रखा हुआ था उसको मिला देंगे। अब हम इसमें सहजन फली के टुकड़ों को उबालते वक्त जो पानी छिड़का हुआ था उसको भी हम इसमें डाल देंगे और अब हम इस मिश्रण को सतत हिलाते रहेंगे ताकि सब कुछ घुल मिल जाए। इस मिश्रण को गाढ़ा बनाने के लिए हम इसमें चने का आटा यानी बेसन को उड़ाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में। जैसे कि आपको दिख रहा है हम हाथ से थोड़ा थोड़ा बेसन का आटा लेके उसको मिश्रण में हम घुल मिला रहे हैं और एवं सतत हिलाते रह रहे हैं। जब तक ये मिश्रण गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक हम बेसन के आटे को डालते रहेंगे और उसको घुल मिलाने देंगे अच्छी तरह से। इसके पश्चात हम अपने उबाले हुए सहजन फली के टुकड़ों को इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह से हिला देंगे ताकि वो सारा जो मिश्रण है मसाले का वो अच्छी तरह से घुल मिल जाए सारे टुकड़ों पर समान रूप से। तो जैसे कि आपको दिख रहा है हमारा ये स्वादिष्ट सहजन फली का स्टार्टर तैयार हो गया है। हम इसको सलाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। हमारे काम को सहयोग देने के लिए लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई राय या सवाल हो तो, और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें इनकी जरूरत हो। अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।